हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फुट का एक्सरे करना सीखेंगे। ठीक है, फुट का तो दोस्तों तीन व्यू होते हैं, एपी, ऑब्लिक और लेटरल व्यू। ठीक है, यह तीनों व्यू हम आज सीखेंगे, इसकी एक्सरे टेक्निक। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर होते हैं ये सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फुट का एपी व्यू करेंगे, जिसे डॉर्सी प्लैंटर व्यू कहा जाता है। ठीक है, फुट का एपी व्यू करने के लिए 10-12 साइज का कैसेट चाहिए। ठीक है, और इस टाइप से इसकी पोजीशन लगाना है फुट की। और दोस्तों, इसमें सेंटरिंग जो है बेस ऑफ थर्ड मेटाटार्सल में करना होता है। ठीक है, और 45 kV और 6 mm इसका फैक्टर देना होता है। ठीक है दोस्तों अब हम फुट का ऑब्लिक व्यू करेंगे। ऑब्लिक व्यू करने के लिए 10-12 साइज का कैसेट चाहिए। ठीक है, और पोजीशनिंग देख लीजिए कैसे करना है। इसकी फुट की पोजीशनिंग दोस्तों मीडियल ऑब्लिक करना है। ठीक है, और इसकी जो सेंटरिंग है वह बेस ऑफ थर्ड मेटाटार्सल में होगी। ठीक है, और इसमें एक्सपोजर फैक्टर 45 kV और 6 mm देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम फुट का लेटरल व्यू, इसे ट्रू लेटरल भी कहते हैं, इसके लिए हमें 10-12 कैसेट चाहिए। ठीक है, और इसकी पोजीशन देख लीजिए कैसे लगाना है, है ना। इसको ट्रू लेटरल करना है फुट को। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सेंट्रल रे है वो फर्स्ट बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल पे करना है। ठीक है, और इसमें जो एक्सपोजर फैक्टर है दोस्तों वह 45 kV और 6 mm आपको देना है। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप से हमने एपी, लेटरल और ऑब्लिक तीनों व्यू देख लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।